नोएडा की ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में महिला से गाली गलौज करने वाले कथित नेता श्रीकांत त्यागी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले नोएडा पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई कर उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया था। त्यागी के साथ पुलिस ने 3 लोगों को मेरठ से गिरफ्तार किया। श्रीकांत नोएडा की सोसाइटी में महिला के साथ बदसलूकी के मामले में फरार चल रहा था। बताया जा रहा है कि श्रीकांत त्यागी लगातार पत्नी और वकील से बात करने की कोशिश कर रहा था। इसी से पुलिस को उसकी लोकेशन की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने मेरठ से श्रीकांत को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मंगलवार को उसकी पत्नी को दोबारा हिरासत में लिया था। इससे पहले पुलिस ने शुक्रवार को भी श्रीकांत त्यागी की पत्नी को हिरासत में लेकर 24 घंटे से ज्यादा पूछताछ की थी। पहले नोएडा पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई कर उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया था। आरोपी की तलाश में नोएडा पुलिस 8 टीमें 3 राज्यों में उसकी तलाश कर रही थी। सोमवार को सोसाइटी स्थित उसके घर पर अवैध निर्माण को तोड़ा गया था। आरोपी पर दबाव बनाने के लिए भंगेल में उसकी दुकानों पर GST टीम ने भी छापेमारी की थी। यही नहीं, अथॉरिटी के नोटिस को भी अपने रसूख से रुकवा देता था। महिला से बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया था और उस पर मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद वह फरार हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।